हेलो बडीज, कैसे हो आप सब। तो मैं सर आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को फाइबर के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को राउटर एंड नेट का स्पीड कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को होती क्या है कि आप लोग राउटर वगैरह जो यूज़ करते हो तो आप लोग को जो स्पीड बताया जाता है उसके हिसाब से काफ़ी कम मिलती है। तो उसी का आज मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ एंड क्या प्रॉब्लम होती है। मैं कोई कितना भी हाई एमबीपीएस वाला का अपना प्लान ले लूँ या 200 एमबीपीएस 1 जीबीपीएस का स्पीड वाला प्लान ले लूँ, उसके बाद भी हमारा नेट कम ही आता है, तो उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। आप लोग ना 99% भूल जाते हो, 1% सब्सक्राइब करते हो, मैंने देखा है। सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। तो भैया देखो, हम आ गए हैं आप लोगों के सामने। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिल टूट जाएगा भाई का, इसलिए सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। लाइक वाइक ठोका करो, ठोकने से हमारा भी दिल खुश और आप लोगों के लिए भी दिल खुश, क्योंकि आपका हर सॉल्यूशन मैं ही दूंगा। चलो बहुत मस्ती होगी। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज आप लोगों का नेट, ठीक है, आप लोग जो बहुत सारा प्लान लेते हो, 1 जीबीपीएस 2 एमबीपीएस वगैरह वगैरह बहुत सारा प्लान आती रहती है। जैसे जियो फाइबर में आपका 30 एमबीपीएस का स्पीड है, बट आप लोग जब यूज करते हो तो आपका राउटर के कारण आप लोगों का नेट स्लो हो जाता है, 15 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस। तो 10 एमबीपीएस कहाँ गया? ये बात है ना, 10 एमबीपीएस स्पीड गया कहाँ? तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम ये होती है, वो आपका गलती नहीं है, वो आपके राउटर की गलती होती है, ठीक है। आप लोग राउटर तो नॉर्मल ले लेते हो, 1500 इस तरह करके जो भी मार्केट में आती है लोकल वगैरह, तो लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि उसमें स्पीड कितनी दिए हुए थे। हम जैसे मैंने MI का राउटर लेके रखा है 4.0, ठीक है, MI का राउटर लेके रखा है, जो कि हमें यहाँ पे 2.4 GHz की आती है एंड इसका स्पीड हमें वहाँ पे ऑनलाइन के समय दिखाता है 300 एमबीपीएस, बट जब आप उसको यूज़ रियली करोगे ना तो 70 एमबीपीएस भी नहीं देगा, जो कि आपका डिमांडेबल है। जितना आप लोगों ने प्लान लिया है उतना नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो GHz है ना वो कम रहती है GHz के कारण, एंड उसका सर्विस थोड़ा सा कम रहती है, एंड आप लोगों को दिखाया जाता है कि 300-400 एमबीपीएस की स्पीड वो दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको फ्लिपकार्ट में जाके दिखाता हूँ, जो कि मेरा फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पर भी जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने MI का राउटर लेकर रखा है, एंड उसका मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होती है। अभी मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट से ही फिलहाल दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैं फ्लिपकार्ट पे चला गया एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MI राउटर। आप यहाँ पे कोई सा भी राउटर लोगे, MI की ज़रूरी नहीं है, मैं आपको MI नहीं बोला, देखो MI ये। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो MI राउटर, इसका 4C नेम है। एक्चुअली इसमें 4 केबल होती है, मतलब लेन दिखाता हूँ मैं आपको। 4 इसमें एंटीना टाइप का होता है, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये 4 जो है ये आप लोगों को मिलती है, इसलिए इसका नाम 4C है। एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 300 एमबीपीएस, यहाँ पे आप लोग देखते हो तो 300 एमबीपीएस राउटर, बट ये सिर्फ दिखाने का होता है, क्योंकि इसका जो GHz है ना, मैं आप लोगों को इसका डिटेल दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, मैं इसको व्यू डिटेल, सॉरी, यहाँ पे देखो 2.4 GHz, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखो आप लोग थोड़ा सा सामने कर देता हूँ, यहाँ पे देखो 2.4 GHz। यदि ये आपका इतना है तो समझ लो आप लोगों का स्पीड जो भी आपका मैक्सिमम जो प्लान है उसके हिसाब से स्पीड नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यदि आप लोग इसका 5 GHz या ज़्यादा इससे ले सकते हो तो वो लेना, वो बेहतर होगा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। ये 1000 रुपीज़ की आती है, मैंने भी लिया था, बट मुझे उस समय एक्सपीरियंस नहीं था, धीरे धीरे नॉलेज हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा GHz का लोगे उतना आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। 2.5 GHz का भी आता है एंड 5 GHz का भी आता है, इस टाइप का यदि आप लेते हो तो वो बेस्ट है आपका। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 5 GHz ही लेना। मैं आप लोगों को काफ़ी सारे राउटर यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट, MI राउटर मैंने लिखा है और थोड़ा सा मैं कॉस्टली वाला आप लोगों को राउटर यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। ये देखो, ये सब 1000 MB, ये देखो यहाँ पे 300 MBPS दिखा रहा है, ये 750 MBPS दिखा रहा है, इस तरह करके ये सब जो है ना 999 का, ये सब बकवास होती है। थोड़ा सा इसको मैं हाई लेवल पे जाता हूँ। देखो TP लिंक का जैसे यहाँ पे है, तो मैं TP लिंक का यहाँ पे खोलता हूँ एंड ये देखो 2 GHz भी है एंड ये 5 GHz भी है। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करेगा, मतलब आप ये दोनों में मतलब काम कर सकते हैं। आपको इसमें भी 4 एंटीना है तो इसको आप ले सकते हो, ये आप लोगों के लिए सही होगा एंड ये प्रॉपर स्पीड आप लोगों को देने का काम करेगा। इसका कॉस्ट भी आपका 2600 रुपये पड़ रहा है, देख सकते हो, एंड यहाँ पे 1200 MBPS का स्पीड बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए सही होगा, एंड इससे कॉस्टली और ले लो तो वो बेहतर होगा।
यहाँ पे देखो काफ़ी सारा मिलेगा आप लोगों को, 2000, 3000, 4000 इस तरह करके आप लोगों को मिलेगा। जितना मतलब अमाउंट ज़्यादा दोगे तो ही बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। जैसे ये 4000 रुपये के, ये देखो ये तो आपका टोटल 5 GHz देखो, ये दोनों है, मतलब ये 5 GHz की है। आप इसको 2.4 GHz पे भी यूज़ कर सकते हो एंड 5 GHz पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आप लोगों के लिए सही होगा, बस थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज़ इसका परफॉर्मेंस होगा नॉर्मल राउटर से बेस्ट होगा, ठीक है। जिसके कारण आप लोगों को कोई कंप्लेंट भी नहीं होगा कि नेट स्लो चलती है, मैंने इतना MBPS लगाया। तो फ्रेंड आप लोग सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसी टाइप का कुछ राउटर लो जिसमें 5 GHz वगैरह सर्विस हो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो नेट वगैरह चलाने में एंड आपकी स्पीड वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगी, ठीक है। एंड अदरवाइज़ मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत जो ब्रॉडबैंड वगैरह होती है उसमें तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, जैसे वेदर गड़बड़ होने के कारण आप लोगों की स्पीड घटेगी ही। आप लोगों को मैंने दिखा दिया इस टाइप का राउटर आप लोगों को यूज़ करना है। एंड देखो ये नॉर्मल है कि अभी वेदर ठीक है तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, बट थोड़ी बहुत वेदर गड़बड़ रहेगी तो आप लोगों को कोई भी इंटरनेट का सर्विस उतना बेहतर नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा इंडिया है, आउट अदर कंट्री में जैसे उतना दिक्कत नहीं होती बट इंडिया में होती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सब कुछ वायर वगैरह सब बाहर से होती है एंड इसलिए सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो होगी ही होगी। तो आप लोगों को मैंने सजेस्ट कर दिया कि TP वगैरह जो भी है आप लोगों को राउटर ये वाला लेना अच्छा होगा एंड 2.4 वाला बिल्कुल मत लेना। मैं खुद लेकर के थोड़ा बहुत फंसता रहा हूँ, धीरे धीरे चेंज करूँगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो सब कुछ चेंज होगा और आप लोगों को ऐसे ही मैं वीडियो वगैरह बताते रहूँगा और आप लोग इन्जॉय करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो एंड एक बार मैं जाने से पहले बता दूँ, कल है संडे तो कमेंट जरूर करना, कल संडे को लाइव आऊँगा एंड कमेंट का पिक करके सबको सॉल्यूशन दूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड जितना हो सके शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।